वृत्त की स्पर्श रेखाएं और छेदक रेखाएं। कागज पर किसी त्रिज्या का एक वृत्त तथा एक रेखा L लें, जैसे आकृति 81 में दिखाया गया है। अब रेखा L के समांतर कुछ रेखाएं खींचिए। दी गई आकृति 82 में रेखा M और वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु AB हैं। इसी प्रकार रेखा L और वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु CD हैं। रेखा N और वृत्त में केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु E है तथा रेखा P और वृत्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। हम देखते हैं कि कोई रेखा किसी वृत्त के सापेक्ष निम्न तीन स्थितियों में हो सकती है। आकृति 83 का 1, इसमें रेखा L वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात रेखा L व वृत्त का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। आकृति 83 का 2, इसमें रेखा L वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात रेखा L और वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु P और Q हैं। इस स्थिति में हम L को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। आकृति 83-3 में रेखा L वृत्त को एक बिंदु पर केवल स्पर्श करती है, अर्थात रेखा L और वृत्त में एक ही उभयनिष्ठ बिंदु M है। इसी स्थिति में हम रेखा L को वृत्त की स्पर्श रेखा तथा उभयनिष्ठ बिंदु M को स्पर्श बिंदु कहते हैं। आकृति 84 में रेखा L वृत्त को दो बिंदुओं P व Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। रेखा L को बिंदु P पर स्थिर रखते हुए किसी भी एक दिशा में लगातार घुमाते जाने पर एक स्थिति ऐसी होगी कि प्रतिच्छेदी बिंदु बिंदु P पर संपाती हो जाता है। इस स्थिति में छेदक रेखा को हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं और बिंदु P को स्पर्श बिंदु। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। अर्थात किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। सोचें व चर्चा करें, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्यों? करके देखें। नीचे दी गई आकृति में प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक और स्पर्श रेखाओं को पहचानकर अपनी कॉपी में उनके नाम लिखिए।